नई सरकार के गठन के दो दिन भी नहीं हुए थे कि आतंकियों ने घाटी में नापाक हरकत को अंजाम दे दिया। पूरी खबर के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक दशक के लंबे इंतजार के बाद जब जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ तो उम्मीद थी कि घाटी में नया सूरज, शांति का नया सवेरा बिखेरेगा, लेकिन नई सरकार के गठन के दो दिन भी नहीं हुए थे कि आतंकियों ने घाटी में नापाक हरकत को अंजाम दे दिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने शोपियां में शुक्रवार को बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने बिहार के एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रमिक का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। मृतक अशोक चौहान बिहार के काठिया जिले का रहने वाला था। बहुत ही दुखद समाचार दक्षिण कश्मीर के शोपियान से आया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बिहार के एक कारीगर श्री अशोक चौहान जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध, कायराना हरकत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। अशोक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मक्के चने का काम करता था। शुक्रवार की सुबह उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल भी आया था। फोन कॉल आने के बाद अशोक महलोरा इलाके में गया था, तभी आतंकियों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने अशोक को जासूस समझकर गोली मारी। सुरक्षा बल आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस उस युवक के फोन कॉल्स की भी जांच कर रही है।